अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका विद खुशी। आज हम आप लोगों के साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करेंगे। ये होममेड गुजिया बहुत ही डिलीशियस बनती हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से रेसिपी फॉलो करें। ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनती हैं, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। और इसे छानने के बाद हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। जब हम किसी भी मीठी चीज़ में नमक ऐड करते हैं तो उसकी मिठास का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे इतनी देर मिक्स करेंगे जब तक सारा मैदा अच्छी तरह से, जब हम हाथ पे इस तरह से लें तो ये बॉल जैसा बनने लगे। और अब हम इसमें हल्का गुनगुना पानी ऐड करके इसे नेट कर लेंगे। ये जो हम डो तैयार कर रहे हैं इसे हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। इसे इस तरह से हमें रखना है ताकि जब हम गुजिया बेलें तो ये आसानी से बेल जाए और चिपके भी नहीं। तो अब हम इसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और ढककर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अब हम एक तरफ इसकी स्टफिंग भी तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम खोया लेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार स्टर करते हुए भूनेंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट में ये अच्छी तरह से भून जाएगा। जब भी हम गुजिया बनाएं तो खोए को अच्छी तरह से भून लें ताकि जब हम गुजिया स्टोर करके रखें तो वो ख़राब ना हो। अब ये भून चुका है तो इसे एक तरफ अलग रख लेंगे। और अब हम इसी पैन में ये जो हम ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं इसे भी रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने काजू, बादाम, किशमिश और डेसिकेटेड नारियल लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और इन्हें भी अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे और इसी बाउल में मिक्स कर लेंगे। और साथ ही अब हम इसमें 1/2 कप पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। ये नॉर्मल शुगर है, हमने घर में ही इसे ग्राइंड कर लिया। और साथ ही 2-3 क्रश की हुई इलायची ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये मिक्सचर ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं। और अब ये गुजिया की स्टफिंग भी रेडी है, तो अब हम गुजिया बना के तैयार करते हैं। जो आटा हमने लगा के रखा है ये भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। एक बार फिर से हम इसमें 1-2 पंच लगा लेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हम इसे 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। और अब हम इसे एक बड़ी सी रोटी की तरह बेल लेंगे। जब हम इसे बेलें तो ध्यान रहे हमें इसे बहुत पतला रोटी की तरह नहीं बेलना है, इसे थोड़ा थिक ही रखेंगे। बहुत पतला कर देंगे तो जो गुजिया हम बनाएंगे वो खस्ता नहीं बनेंगी। अब हम इसे किसी भी तरह के कटर से या फिर कोई भी बिस्किट के डिब्बे के ढक्कन से कट कर लेंगे। इस तरह से ही पूरी की तरह तैयार हो गया है। आप चाहें तो अलग अलग छोटे छोटे बॉल बनाएं और उन्हें भी इस तरह से एक एक करके पूरी की तरह बेल लें, तब भी गुजिया तैयार हो जाएंगी। अब हम इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे। इसके जितना भी एजेस है चारों तरफ हम हल्का पानी लगा देंगे और फिर इसमें बीच में स्टफिंग फिल करेंगे। और इस तरह से इन्हें फोल्ड करके अच्छी तरह से सील कर देंगे। इन्हें अच्छी तरह से सील करेंगे, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे तो तेल में ये गुजिया फट जाएगी। और इस तरह से हम इसके एजेस को फोल्ड कर देंगे और ये हमारी गुजिया बनके रेडी है। इसी तरह से हम बाकी की गुजिया भी तैयार कर लेंगे। बीच में हम स्टफिंग फिल करेंगे और उसके एजेस पे हल्का सा पानी लगाएंगे और अच्छी तरह से पहले सील करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
अब ये हमारी सारी गुजिया बनके तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। अब एक तरफ हम ऑयल गरम करेंगे और ऑयल को पहले चेक कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें ये गुजिया फ्राई करेंगे। एक बार में इसमें 4 से 5 गुजिया हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम एक बार में 4 से 5 गुजिया फ्राई करेंगे, और ज़्यादा सी गुजिया फ्राई करने से ऑयल का टेम्परेचर बैलेंस में रहेगा। तो हमें इन गुजियों को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, और इस तरह लो फ्लेम पे फ्राई करने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। हमें इनके कलर का भी ध्यान रखना है, इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं फ्राई करना है। तो ये हमारी क्रिस्पी सी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। ये होममेड गुजिया बहुत ही डिलीशियस बनी है और ये बहुत ही खस्ता बनके तैयार हुई है। तो अब आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।